सो गाइस कैसे हो आप लोग, क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडियन सर्वर पिंक डायमंड स्टोर फिर से रिटर्न में आने वाला है। जी हाँ गाइस, आप लोगों के यार इतने ज्यादा कमेंट्स आ चुके हमारे पिंक डायमंड स्टोर को लेकर। मनु भाई, हमारा पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में कब आएगा, क्या कर रिवार्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। और देखो, जितना मैं इस टॉपिक को स्किप करने की कोशिश कर रहा था, आप लोग इतने ज्यादा कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं पिंक डायमंड स्टोर को लेकर। फाइनली मैं आप लोग के लिए पिंक डायमंड स्टोर की वीडियो लेकर आ चुका हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे पिंक डायमंड स्टोर के बारे में बताऊंगा। लेकिन गाइस, आप लोग के नेक्स्ट मैजिक क्यू के बंडल भी यहां पे 100% कंफर्म हो चुके हैं। सारे के सारे बंडल्स में आप लोग को आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं कौन-कौन से नए मैजिक क्यू के बंडल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हम लोग के नेक्स्ट टॉप अपडेट बीटी सर्वर से रिलेटेड भी यहां पे काफी सारे नए इवेंट्स निकल कर आ रहे हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को हमारे वेड 3.0 इवेंट से रिलेटेड भी काफी सारे नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए गाइस, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह गन फ्री फायर की छोटी छोटी अपडेट वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करें सबसे पहले अपडेट के बारे में। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा ही सबसे पहले टूर्नामेंट अपडेट के बारे में बताता हूं, लेकिन गाइस आज तो आप लोगों के लिए कोई खास टूर्नामेंट अपडेट निकल कर नहीं आई है। पर गाइस, आप लोग के नए मैजिक क्यू के बंडल जो कि कल रात 12 बजे बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो यहां पे निकल कर आ चुके, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस, सबसे पहला बंडल आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का फीमेल का बंडल आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जो कि आप लोग के नेक्स्ट मैजिक क्यू में नजर आने वाला है। एंड इसी के साथ का मेल वाला बंडल भी गाइस आप लोग हमारे मैजिक क्यूब सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आईसीज वाला। एंड मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक तारीख को हमारे मैजिक क्यूब स्टोर को अपडेट किया जाएगा। और थर्ड नंबर पे गाइस, यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है हमारे फीमेल का फिर से बंडल, जो कि भाई मूनलाइट ब्लेड वाला होने वाला है। एंड आप लोगों को पता है ये डायमंड में देखने को मिला था। इसी के साथ का मेल का बंडल भी गाइस आप लोग हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे दोनों जोड़े आप लोग को मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आप लोग के 4 बंडल हो चुके हैं। 5वां बंडल गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो, फिर से फीमेल का बंडल आप लोग के लिए निकल कर आ चुका है। तो ये भी भाई आप लोग को बहुत टाइम पहले हमारे डायमंड में देखने को मिला था, ये बंडल भी आप लोग नेक्स्ट मैजिक में नजर आने वाला है। और इसी के साथ का मेल वाला बंडल भी गाइस आप लोग हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो। तो गाइस, स्टार्टिंग के 2 बंडल के अलावा बाकी के सभी बंडल आप लोग को पिछले कुछ महीनों में डायमंड में देखने को मिल चुके हैं। और लास्ट में गाइस यहां पे आप लोग हमारे रावड़ी वाला मेल का बंडल देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोग हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में नजर आने वाला है। ये भाई आप लोग के डायमंड में अभी लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो गाइस, टोटल 7 बंडल्स का तो मेरे को यहां पे पता लग चुका है कि भाई ये सारे बंडल्स आप लोग हमारे नेक्स्ट मैजिक क्यूब में 1 तारीख को देखने को मिलेंगे। बाकी यार अभी भी आप लोग हमारे मैजिक क्यूब सेक्शन में काफी सारे बंडल्स देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप लोग उनमें से कोई पसंद है तो भाई अभी निकाल लेना, क्योंकि भाई 1 तारीख को उनमें से कुछ बंडल फिर से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट करें, जो कि हमारे बांग्लादेश सर्वर से रिलेटेड होने वाली, क्योंकि यार मुझे पता है कि नेपाल सर्वर के काफी सारे प्लेयर्स मेरी वीडियो देखते हैं, बांग्लादेश सर्वर से भी काफी सारे बंदे हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। तो गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो लाइट फिस्ट इवेंट से रिलेटेड यहां पे बांग्लादेश सर्वर के लिए कुछ हाईलाइट निकल कर आ चुके हैं। तो गाइस, यहां पे सारे इवेंट्स आप लोग हमारे इंडिया सर्वर की तरह देखने को मिल जाते हैं। फर्क इतना सा है कि हमारे इंडिया सर्वर पर क्रिमिनल बंडल रॉयल में देखने को मिला था, आप लोग यहां पे देख सकते हो इस तरीके का रॉयल हमारे इंडिया सर्वर पर आया था पर्पल क्रिमिनल बंडल के लिए। लेकिन गाइस, बांग्लादेश सर्वर पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहां पे पर्पल क्रिमिनल बंडल की जगह ग्रीन क्रिमिनल बंडल आने वाला हमारे बांग्लादेश सर्वर पर। डेट की बात करें तो गाइस, ग्रीन क्रिमिनल बंडल हमारे बांग्लादेश सर्वर पर 4 तारीख को रॉयल में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को पता है हमारे इंडिया सर्वर पर एक लाइट रोल भी आया था, जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, इस तरीके का लाइट रोल हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को मिला था। लेकिन गाइस, बांग्लादेश सर्वर पर इसका नाम चेंज कर दिया गया, गोल्डन टाइगर रॉयल के नाम से आप लोग देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इसमें भाई आप लोग हमारे गोल्डन टाइगर थीम पर जितने भी रिवार्ड थे सभी के सभी नजर आ जाएंगे। और इसकी डेट के बारे में बताऊं तो गाइस, बांग्लादेश सर्वर पर ये वाला रॉयल भाई 9 तारीख को देखने को मिलने वाला है। यहां पे कुछ इस तरह की लिस्ट निकल कर आ रही है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन गाइस 9 तारीख के आसपास बांग्लादेश सर्वर पर गोल्डन टाइगर रॉयल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ते बात कर नेक्स्ट अपडेट का, जो कि आप लोग एक न्यू लक रोल के लिए निकल कर आ रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए नए लक रोल निकल कर आ रहे हैं। इस लक रोल में आप लोग हमारी P90 की काफी सारी गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आप लोग हमारी XM8 की गन स्किन रिटर्न में दी गई है पंपकिंग वाली, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई जब हमारे इंडियन सर्वर पर हेलोविन इवेंट स्टार्ट होगा तो भाई आप लोग ये पंपकिंग XM8 गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल सकती है। तो मैंने देखा काफी सारे सर पर पंपकिंग XM8 की गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल रही है। एंड आप लोग को पता है हमारे इंडिया सर पर एंड बांग्लादेश सर पर दोनों पर ही हेलोविन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। लगभग इंडिया सर पर भी भाई थोड़ा थोड़ा इवेंट स्टार्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से आप लोग देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है कि आप लोग हमारे इंडिया सर पर पंपकिंग XM8 की गन स्किन कुछ इस तरीके रॉयल में या किसी भी इंक्यूबेटर वगैरह में रिटर्न में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर इवेंट के बारे में, कब आप लोग देखने को मिलेगा, क्या क्या रिवार्ड्स आप लोग देखने को मिलने वाले। साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा हमारे वेड इवेंट से रिलेटेड काफी सारे नई अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह फ्री फायर की छोटी छोटी अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट करें, जो कि गाइस आप लोग की न्यू प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में होने वाली। गाइस आप में से बहुत ज्यादा बंदों के कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई मनु भाई नेक्स्ट प्रोफाइल एनिमेशन कौन सा होगा। तो गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए नया प्रोफाइल एनिमेशन निकल कर आ चुका है। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी वेड इवेंट हमारे इंडिया सर पर लगभग 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे कुछ इस तरह की लीक्स निकल कर आ रही है। तो गाइस ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन आप लोग हमारे इंडिया सर पर कुछ इसी तरीके के लक रोल में दिया जाएगा, यहां पे 100% कंफर्म हो चुका है। एंड गाइस इस प्रोफाइल एनिमेशन के साथ ही आप लोग को और कुछ वेड 3.0 इवेंट की रिवार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे भाई यहां पे आप लोग को हमारे वेड 3.0 इवेंट का एक न्यू इमोट देखने को मिल जाता है, एक आप लोग
लोग यहाँ पे बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा लेजेंडरी दी गई है। इसी साथ में यहाँ पे आप लोग हमारे बॉय 2.0 इवेंट की एक लंबरिंग की स्किन भी देखने को मिल रही है, और गज एक आप लोग यहाँ पे बटल देखने को मिल रहा है। काफी सारे रिवॉर्ड्स गज आप लोग यहाँ पे इस लक रोल में देखने को मिलेंगे। रही बात डेट की, आप लोग एनिमेशन कब देखने को मिलेगा, तो गज मैं आप लोग को बता दूं 10 तारीख से पहले पहले हमारे इंडिया सुपर ये वाला रॉयल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग कोई भी अच्छा प्रोफाइल एनिमेशन नहीं है, तो भाई आप लोग इस वाले प्रोफाइल एनिमेशन आने का वेट कर लीजिए थोड़ा सा। आप लोग को बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया सुपर देखने को मिलेगा। जैसे मेरे पास डेट कंफर्म होती है तो मैं आप लोग को डेट भी बता दूंगा इसकी, बट इतना जरूर से कह सकता हूं कि यार बहुत ही जल्दी आप लोग को नजर आ जाएगा। इसके बाद बात करें आप लोग के पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर के बारे में, तो गाइस आप लोग को पता ही होगा कि 5th एनिवर्सरी ईयर में आप लोग हमारे पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिला था। उसके बाद से गाइस काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि हमारे इंडिया सुपर फिर से पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न देखने को मिलेगा, जिससे गाइस आप लोग बहुत सारे रिवार्ड्स पिंक डायमंड के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। गाइस देखो, जब 5th एनिवर्सरी ईयर में पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिला था, तो बहुत ज्यादा बंदों ने बहुत ज्यादा गेम खेला था, एंड काफी सारे पिंक डायमंड इकट्ठे करके भाई काफी सारे रिवार्ड्स भी एक्सचेंज किए थे, तो यार ग्रैंड वालों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था, जिससे कि आज बहुत ज्यादा बंदे गेम खेल रहे थे। एंड इसी तरह का आप लोग के लाइट फिस्ट इवेंट में भी गैदर द लाइट का इवेंट देखने को मिला था, एंड उसमें टोकन कलेक्ट करने के लिए भाई बहुत सारे मिशन आप लोगों को कंप्लीट करने पड़े, एंड आप लोगों ने बहुत ज्यादा गेम खेला। तो गाइस इसीलिए अभी तक हमारे इंडिया सुपर पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि भाई बंदे बहुत ज्यादा गेम ऑलरेडी गैदर द लाइट इवेंट से खेल ही रहे थे। लेकिन गाइस आप लोगों को पता है हमारे इंडिया सुपर से लाइट फिस्ट इवेंट के साथ ही गैदर द लाइट का इवेंट भी चला गया, जिससे कि यार बंदे बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहे हमारे गेम में, एंड ग्रैंड वालों की हमेशा कोशिश रहती है कि भाई बंदे ज्यादा से ज्यादा गेम खेले। इसलिए गाइस फिर से आप लोग हमारे बॉय 3.0 इवेंट में पिंक डायमंड एक्सचेंज स्टोर रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। मैं आप लोग को कंफर्म नहीं करा, लेकिन गाइस काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई आप लोग को ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिल जाए, जिससे कि आप लोग को बहुत ज्यादा मिशन वगैरह कंप्लीट करने पड़े, एंड आप लोग काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स एक्सचेंज कर पाओ। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं आप लोग के कुछ कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले यहां पे कमेंट निकल रहा है 4G गेमर एंड डाजलर एक्स का कि मनु भाई मंथली मेंबरशिप में 50% ऑफ देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग को बता दूं हमारा दिवाली इवेंट भी चला गया, एंड अभी के लिए मंथली मेंबरशिप को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है कि भाई आप लोग को डिस्काउंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो 5th एनिवर्सरी में लीक्स निकल कर आ रही थी, लेकिन गाइस अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। अगर मुझे कुछ पता लगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके बाद राहुल एंड अमीन का यहाँ पे कमेंट निकल कर आ रहा है, मनु भाई मिस्ट्री शॉप इवेंट हमें कब देखने को मिलेगा। तो आप लोग को बता दूं काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लोग को नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नवंबर मंथ में 23 या 24 तारीख को मिस्ट्री शॉप इवेंट हमारे इंडिया सब देखने को मिल जाए, जिसमें आप लोग को इलीट पास भी नजर आ सकता है। बट मिस्ट्री शॉप इवेंट में इलीट पास आने के चांसेस कम ही है, क्योंकि आप लोग को पता है आजकल हाइड आउट सेक्शन में आप लोग को इलीट पास में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो भाई आप लोग को नेक्स्ट मंथ में भी हाइड आउट में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम में से काफी ज्यादा बंदों ने कमेंट किया, मनु भाई ओल्ड इंक्यूबेटर कब रिटर्न देखने को मिलेंगे, कोई टाइटन स्कार पूछ रहा है, कोई गोल्डन स्टोर पूछ रहा है, कोई भी इंक्यूबेटर मतलब आप लोग को रिटर्न में कब देखने को मिलेंगे, काफी सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं अभी ओल्ड इंक्यूबेटर को लेकर यहाँ पे कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि आप लोग कौन से इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, लेकिन बाय चांस अगर मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी के लिए कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे गेमिंग पिक्सल अनुराग सिंह की तरफ से निकल कर आ रहा है, मनु भाई ट्रॉपिकल पैरेट या शॉटगन की स्किन हमें कब रिटर्न में देखने को मिलने वाली। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं अभी तक यहाँ पे कोई भी लीक्स निकल कर नहीं आ रही है आप लोग की किसी भी शॉटगन की स्किन को लेकर कि भाई आप लोग को कोई शॉटगन की स्किन रिटर्न में देखने को मिलने वाले, लेकिन इन फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में जरूर से बता दूंगा। लास्ट कमेंट यहाँ पे द प्रिंस एफएफ का निकल कर आ रहा है, मनु भाई बुएडे का यो बंडल हमें कब रिटर्न में देखने को मिलेगा, कंफर्म डेट बताओ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं बुएडे इवेंट का बंडल आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में नजर आ सकता है। लीक्स काफी ज्यादा है, लेकिन गाइस डेट यहां पे कंफर्म नहीं है कि भाई कौन सी डेट को आएगा, बट मुझे पता लगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस आज तो मैं इन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाया, बाकी किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मतलब यार कोई भी बुरा मत मानना अगर किसी का कमेंट नहीं आया तो। आज आप लोग फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सकता है आप लोगों को मैं नेक्स्ट कमेंट में रिप्लाई कर दूं, बाकी मैं उन्हीं कमेंट्स को चूज करता हूं जो कि यार सबके लिए यूजफुल होते हैं या कॉमन कमेंट होते हैं, तो आप लोग भी पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।